नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी। आज हम सीखेंगे कि कैसे आवास सॉफ्ट के बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले PMAY-G की वेबसाइट www.pmayg.nic.in पर लॉग ऑन करें। फिर होम पेज से डेटा एंट्री टैब पर क्लिक करें। अब MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन करें। आपको दो लॉगिन ऑप्शंस दिखाई देंगे, लॉगिन यूजिंग एग्जिस्टिंग सर्वर या लॉगिन यूजिंग न्यू सर्वर। एग्जिस्टिंग सर्वर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। कभी कभी PMAY-G वेबसाइट पर ओवरलोड होने के कारण या इंटरनेट स्पीड धीमी होने के कारण वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती। ऐसी स्थिति में न्यू सर्वर से लॉगिन करना चाहिए। न्यू सर्वर पर लॉगिन करके आप चार मुख्य कार्य कर सकते हैं, जो हैं PMAY-G रजिस्ट्रेशन, आवास ऐप द्वारा खींची गई फोटोज का वेरिफिकेशन करना, इंडिविजुअल सैंक्शन ऑर्डर लेटर को डाउनलोड करना, सैंक्शन ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना और FTO के लिए ऑर्डर शीट जनरेट करना। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के लिए हम एग्जिस्टिंग सर्वर को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेंगे। पहले फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, PMAY-G वर्ष 2016 में लॉन्च हुआ था, इसलिए PMAY-G रजिस्ट्रेशन के लिए 2016-17 से बाद के वर्ष इस्तेमाल किए जाएंगे। यदि कोई पुरानी योजना की बैकलॉग एंट्री करना चाहता है तो वह उस साल को सिलेक्ट करके कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करने के बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को एंटर करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। डेटा एंट्री पेज खुल जाएगा। PMAY-G रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत स्तर या ब्लॉक स्तर दोनों पर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए हम आपको ब्लॉक लेवल पर PMAY-G बेनिफिशियरीज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिखाएंगे। डेटा एंट्री पेज पर डेटा एंट्री एट ग्राम पंचायत हेड के नीचे PMAY-G रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर PMAY-G पेज खुल जाएगा। पेज के टॉप पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ब्लॉक में रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज की संख्या मौजूद है। फॉर्म को फिल करने से पहले याद रखें कि जहां जहां एस्ट्रिक्स के निशान हैं, वो सभी फील्ड्स भरना अनिवार्य है, यानी कि इन्हें भरे बिना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता। पेज के पर्सनल डिटेल्स सेक्शन से पंचायत को सेलेक्ट करें और फिर सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि PMAY-G में लाभार्थी का चयन SECC डेटा 2011 के आधार पर होता है और इस डेटा को आधार मान कैटेगरी वाइज प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। इसलिए सोशल कैटेगरी का चयन करने पर जिस परिवार का नाम प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, उस परिवार के मुखिया का नाम अपने आप ही प्रदर्शित हो जाएगा। कभी कभार SECC डेटाबेस में आई किसी समस्या के कारण नाम प्रदर्शित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। समस्या का समाधान होने तक प्रतीक्षा करें या अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क करें और फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को दोहराएं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिवार के मुखिया के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद 3 मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि चयन की गई कैटेगरी की प्रतीक्षा सूची में उसका नाम तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए कि राजेश कुमार ने पलायन कर लिया है या उसकी मृत्यु हो गई है या किसी अन्य कारण की वजह से वह अब रजिस्ट्रेशन के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आप प्राथमिकता सूची में से दूसरे व्यक्ति का चयन कर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए पेज के राइट हैंड साइड में सर्च पर क्लिक करें और प्राथमिकता सूची में से नाम को सेलेक्ट करें। यदि सोशल कैटेगरी में माइनॉरिटी को सेलेक्ट किया जाता है तो चयनित व्यक्ति का धर्म अपने आप ही प्रदर्शित हो जाएगा। अब आपको फैमिली मेंबर लिस्ट में से बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करना है। इससे चयनित परिवार के सदस्यों का नाम प्रदर्शित हो जाएगा और उनकी आयु प्रत्येक नाम के अंत में दिखाई देगी। PMAY-G के अंतर्गत घर का स्वामित्व परिवार की बड़ी महिला के नाम पर होना चाहिए। लिस्ट में से बेनिफिशियरी के चयन के बाद जेंडर को सेलेक्ट करें। आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर में से सेलेक्ट कर सकते हैं।
ओनरशिप टाइप को सेलेक्ट करें। हमेशा इस बात को प्राथमिकता दें कि ओनरशिप टाइटल महिला के नाम पर हो। विशेष स्थिति में जॉइंट ओनरशिप को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, हालांकि बेनिफिशियरी टाइटल महिला के नाम पर ही रहेगा। ओनरशिप टाइप में यदि आप वुमेन विडो का चुनाव करते हैं तो आपको किन टू टैब में प्रदर्शित चार विकल्पों में से एक विकल्प को सेलेक्ट करना है। लाभार्थी विकलांग है या नहीं उसे सेलेक्ट करें। यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करें और विकलांगता के प्रतिशत को भरें। मोबाइल नंबर एंटर करें और मोबाइल नंबर के ओनरशिप टाइप को सेलेक्ट करें। एंटर किया गया मोबाइल नंबर यदि लाभार्थी का है तो सुनिश्चित करें कि नंबर यूनिक हो, यानी इस नंबर का इस्तेमाल PMAY-G रजिस्ट्रेशन के लिए पहले कभी न हुआ हो, अन्यथा सिस्टम इस फॉर्म को स्वीकार नहीं करेगा। हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी जाती है कि अगर लाभार्थी के पास अपना चालू मोबाइल कनेक्शन है तो उसी नंबर को रजिस्ट्रेशन के समय एंटर किया जाए, क्योंकि लाभार्थी को आवास से जुड़ी विभिन्न चरणों की जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट, किश्तों का भुगतान आदि SMS द्वारा दर्ज किए मोबाइल नंबर पर स्थानीय भाषा में भेजी जाती है। यदि दर्ज किया गया मोबाइल नंबर लाभार्थी का अपना है तो ओनर टाइप में से ओन सेलेक्ट करें। यदि बेनिफिशियरी के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके रिश्तेदार, सरपंच या किसी अन्य जानकार का नंबर दर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह मोबाइल नंबर एक से अधिक बार भी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ओनर टाइप में से अदर को सेलेक्ट करें और लाभार्थी के साथ रिलेशनशिप मेंशन करें। अब लाभार्थी का आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा नाम एंटर करें। वर्तमान में आधार नंबर एंटर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आधार नंबर एंटर करने की सलाह दी जाती है। यदि आप लाभार्थी का आधार नंबर एंटर करते हैं तो कंसेंट फॉर्म अपलोड करना सुनिश्चित करें, क्योंकि किसी का आधार नंबर इस्तेमाल करने से पहले सरकार को उस व्यक्ति की स्वीकृति चाहिए होती है। इसीलिए आधार विवरण तभी एंटर करें जब लाभार्थी अपनी स्वीकृति देने का इच्छुक हो। यदि लाभार्थी लेप्रसी, कैंसर या HIV/AIDS से पीड़ित है तो उसे सेलेक्ट करें। इस प्रकार पेज का पर्सनल डिटेल सेक्शन पूरा होता है। अब आपको लाभार्थी की बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। पहले बैंक टाइप को सेलेक्ट करें, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक में से एक को सेलेक्ट करें। यदि लाभार्थी का बैंक में खाता नहीं है लेकिन पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो ऊपर से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें। अगर लाभार्थी का खाता कोऑपरेटिव बैंक में है तो सुनिश्चित करें कि बैंक का अपना एक IFSC कोड है। यदि नहीं तो वह बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि PMAY-G में भुगतान की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर की जाती है। बैंक टाइप चूज करने के बाद राज्य में RBI से रजिस्टर्ड सभी बैंक सेलेक्ट बैंक नेम हेड में प्रदर्शित हो जाएंगे। यदि बैंक या ब्रांच लिस्ट में प्रदर्शित नहीं हो रही तो अपने स्टेट नोडल ऑफिसर से इसे लिस्ट में ऐड करने के लिए संपर्क करें। ब्रांच को सेलेक्ट करने के पश्चात बैंक अकाउंट नंबर और बैंक पासबुक में दर्ज लाभार्थी का नाम एंटर करें। कभी कभार SECC डेटा में दर्ज कराया नाम बैंक में दर्ज कराए नाम से मेल नहीं खाता, इसलिए यहां बैंक पासबुक में दर्ज नाम को ही एंटर करें, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद सभी बैंक डिटेल्स संबंधित बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएंगी। सेलेक्ट करें कि क्या लाभार्थी लोन की सुविधा प्राप्त करने का इच्छुक है। यदि हाँ तो आवश्यकता के अनुसार लोन की राशि दर्ज करें। PMAY-G के अंतर्गत ₹70,000 तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है। बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको परिवार का मनरेगा जॉब कार्ड नंबर मांगे गए स्थान पर दर्ज करना है, जो रियल टाइम वेरिफिकेशन फीचर के साथ भी आता है। यदि दर्ज किया गया जॉब कार्ड नंबर गलत है तो उसी समय सिस्टम आपको बता देगा कि ये गलत है, और जब जॉब कार्ड नंबर सही पैटर्न में दर्ज किया जाता है तब रियल टाइम में मनरेगा डेटाबेस में यह नंबर वेरीफाई करने की रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि यह जॉब कार्ड नंबर वैलिड है या नहीं और ये उसी परिवार का है या नहीं।
कभी कभार एमजी नरेगा डेटाबेस में किसी समस्या के चलते रियल टाइम में वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जब तक समस्या का समाधान न हो तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। कुछ समय प्रतीक्षा करें या अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क करें और कुछ समय बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को दोहराएं। मनरेगा जॉब कार्ड नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है क्योंकि PMAY-G के तहत एक परिवार को मनरेगा के अंतर्गत 90 या 95 दिनों की मजदूरी आवास निर्माण के लिए मिलती है। सेलेक्ट करें यदि लाभार्थी मेसन ट्रेनिंग में पंजीकरण कराना चाहता है और राज्य के लिए विकसित की गई हाउस डिजाइन टाइपोलॉजीज को इस्तेमाल करना चाहता है। बाय डिफॉल्ट यस सेलेक्ट रहता है। फॉर्म को पूरी तरह भर लेने के पश्चात फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद बेनिफिशियरी की PMAY-G ID स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन का मैसेज स्थानीय भाषा में फॉर्म में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। पर्सनल डिटेल्स डेटाबेस में सेव हो जाएंगी और बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए बैंक के पास चली जाएंगी। फॉर्म भरते समय ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, इसलिए आवास सॉफ्ट में रेक्टिफिकेशन का फीचर दिया गया है। फॉर्म को रेक्टिफाई करने के लिए डेटा एंट्री पेज पर जाएं और PMAY-G एडिट रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करें। रेक्टिफिकेशन के लिए बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करें और जो डेटा रेक्टिफाई होना है उसे रीएंटर करें। इस फंक्शन से केवल पर्सनल डिटेल्स और कन्वर्जेंस डिटेल्स ही एडिट की जा सकती हैं और एक बार हाउस सैंक्शन हो जाए तो डिटेल्स एडिट नहीं की जा सकती। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद हाउस सैंक्शन किश्तों के भुगतान आदि की प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए PMAY-G होम पेज में स्टेक होल्डर्स टैब पर जाएं और बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट करें। स्टेटस ट्रैक करने के लिए PMAY-G रजिस्ट्रेशन ID एंटर करें। इस फंक्शन के लिए लॉगिन ID या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। आइए अब उन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते समय याद रखने हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जहाँ जहाँ एस्ट्रिक्स के निशान हैं, वो सभी फील्ड्स भरना अनिवार्य है, यानी इन्हें भरे बिना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता। हमेशा इस बात को प्राथमिकता दें कि ओनरशिप टाइटल महिला के नाम पर हो। विशेष स्थिति में ज्वाइंट ओनरशिप को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लाभार्थी का मोबाइल नंबर ही दर्ज कराने की कोशिश करें क्योंकि लाभार्थी को आवास से जुड़े विभिन्न चरणों की जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट, किश्तों का भुगतान आदि स्थानीय भाषा में SMS द्वारा भेजी जाती है। ऐसी स्थिति में मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। अगर आप लाभार्थी की आधार डिटेल्स एंटर करते हैं तो कंसेंट फॉर्म जरूर अपलोड करें। अगर कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट किया है तो उसका IFSC कोड होना जरूरी है। बैंक डिटेल्स सेक्शन में बैंक पासबुक में दर्ज लाभार्थी के नाम को ही एंटर करें। इस वीडियो में हमने PMAY-G बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रेक्टिफाई करना तथा प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखा। आवास सॉफ्ट के अन्य फीचर्स को सीखने के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।